मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लोगों की देखा देखी में अक्सर बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, ये तो हम सबने सुना होगा, लेकिन आज देख भी लीजिए। शहर में स्कूटर का शौक पूरा करने के लिए तीन नाबालिग दोस्तों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। जब पुलिस को तीनों पर शक हुआ तो तीनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद वारदात का खुलासा हुआ। दरअसल ग्वालियर के अच्छे परिवार से आने वाले तीन नाबालिग बच्चों ने स्कूटर के शौक के लिए गलत रास्ते पर कदम रख दिया और एक के बाद एक दो स्कूटर चोरी कर लिए, फिर गाड़ियों का रंग बदलकर नंबर प्लेट हटा दी और शहर में खुलेआम घूमने लगे। जैसे ही पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उन्हें रोककर कागजात और अन्य जानकारी मांगी, जिससे बच्चे घबरा गए और पुलिस को सारी हकीकत बता दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों बाल अपराधियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मुरार थाना क्षेत्र में कल चेकिंग के दौरान तीन नाबालिग बच्चों के पास दो एक्टिवा गाड़ी मिली। जब उनसे कागजात पूछे गए और लाइसेंस वगैरह के बारे में पूछताछ की गई तो उनके पहले तो टालम टोल करते रहे। जब बारीकी से पूछताछ की गई तो वो चोरी के वाहन होना पाया गया। दो एक्टिवा गाड़ी करीब 1,30,000 कीमती की और पूर्व में वो चोरी का अपराध पंजीबद्ध है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमें घूमने का शौक है और शौक के लिए हम जो गाड़ियाँ चुराते थे और इससे गाड़ियों से घूमते थे। तो अब दोनों तीनों नाबालिग अपचारी को प्रकरण में गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और अन्य वाहनों के संबंध में पूछताछ